प्रोग्राम कौन सुनेगा सर? मैंने कहा कोई बात नहीं, देख पहले दिन 2000 लोग होंगे, आखिरी दिन 300 लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन करते हैं ना, अपन क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बोले क्यों कर रहे हैं सर? मैंने कहा देख कोविड में अपन ने पैसा कमाया, उसके पहले इतने साल पैसा कमाया, इस समय लोग मर रहे हैं, इस समय लोग हॉस्पिटलाइज है, इस समय बहुत सारे चैलेंजेस है, जब इस समय इतनी सारी तकलीफें चल रही है लोगों की, कैन वी रियली गिव बैक अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ टू देम? अगर एक आदमी की भी जिंदगी बची और एक आदमी भी अपने इस प्रयास से वेंटिलेटर से बाहर आ गया तो आई थिंक इट इज वर्थ। और जब हमने किया 28 दिन का फ्री प्रोग्राम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, सिर्फ एक बिलीफ के साथ, When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. ये नई स्ट्रैटेजी थी, ये स्ट्रैटेजी हमें भी नहीं पता थी, हमें नहीं पता था ये कहां ले जाएगी हमें, हमें नहीं पता था इससे हमारे साथ 1 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, हमें नहीं पता था इससे हमारे साथ कई सेलिब्रिटीज जुड़ जाएंगे, इसके कारण कई टीवी स्टार्स हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, इसके कारण कई बिजनेसमैन हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, इसके कारण सुधीर जी जैसे, पूनम जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, अपनी जेब से 30-30 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत करेंगे। हमें नहीं पता था, हमने तो एक नई स्ट्रैटेजी लाई और वो नई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया एंड इट बिकेम अ सुपर स्ट्रैटेजी। दोस्तों मेरे उस प्रयास के कारण आज इंडिया में कम से कम 10,000 ट्रेनर ऐसे हैं जो 2 दिन का फ्री, 3 दिन का फ्री, 5 दिन का फ्री, 7 दिन का फ्री, 10 दिन का फ्री करते हैं। उसके पहले एक भी ट्रेनर आपने देखा नहीं होगा। एक